देखिए जब ताकत होगी तो मैं वादा करता हूँ मैं उस पर फुल लड़ाई लड़ूंगा। अब कितने दिन खत्म होते ये मेरा वादा नहीं है, लेकिन सरकार आ गई ना तो 100% खत्म। 2000 वही जो जो उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ है, बहुत ताकत थी इनका, जो सूरज डूबता नहीं था कभी, आज इनके ही आदमी घर को आग लगी, घर के चिराग से ये हालत होती है। आजकल के कार्यकर्ता लोभी हो गए हैं, आजकल के कार्यकर्ता जो है ना समाज के लिए नहीं अपने लिए काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। पहले एक ज़माना था कि लोग देश के लिए समर्पित थे, लोगों के खुशी के लिए अपना अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। हमें ऐसे ही कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, ऐसे कार्यकर्ता आएंगे जो बिल्कुल आइडियोलॉजी पे काम करेंगे तो ही पार्टी बढ़ सकती है। हम तो चाहते हैं भैया पूरा थाना कैप्चर कैप्चर कर लें, लेकिन जहाँ जहाँ मिलेंगे मुझे तो ना खड़ा करूँ। डरा दिया, उनके घर घर तोड़ देंगे, सत्ता में आने के बाद उनको झूठे वादे किए और चपरासी की तरह से वर्करों को रखा है डर के मारे, अगर मेरे मैं नहीं गया तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरा फ्लैट टूट जाएगा। इस वजह से उन्होंने ये पोजीशन खत्म किया, लेकिन हमने अभी खड़ा किया, बताते हैं उनको समाजवादी पार्टी आ गई ना, है ना विपक्ष, कोई जरूरी नहीं कि नगर सेवक हो MLA हो, पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष में खड़े होंगे। ये आरोप लगा दे बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेकिन वर्कर जो है ना मिलते नहीं पहले, ये मुश्किल होती है। अब जरा कुछ वर्कर से मैंने बाहर से अपना एक यहाँ अध्यक्ष बनाया, कलीम जामी को लाकर बनाया ताकि वो लड़ सकता है, डरता नहीं है, इनको इनको लाया अध्यक्ष बनाया इनको यहाँ पर। अभी मैंने ये जो फवाद अहमद हैं जो PhD किया रिसर्च करते हैं, जो NRC वगैरह में काम करने वाले, इन सबको पार्टी से जोड़ा, तो अब देखिए ऐसा है ना कि हमें गांधी जी ने सिखाया कि जुल्म के खिलाफ आंदोलन करो, अब आगे आगे देखते हैं कुछ करेंगे। मुझे अगर कोई बता दे कि अबू आसिम तुम ये काम करो तो नशा खत्म हो जाएगा, मैं अभी वादा करता हूँ कि यहाँ से घर नहीं जाऊँगा, नशा खत्म करा के जाऊँगा। अरे लेकिन सर बताओ कि मैं एज ए अबू आसिम जी मेरे कार्यकर्ताओं को लेके कौन सा ऐसा काम करूं जिससे नशा खत्म हो जाए, मैं करने को तैयार हूं। सर पावर नहीं, 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 नहीं। हमारी हमारी ड्यूटी है असेंबली में आवाज लगाना जी, हमारे मंत्रियों के पास जाके स्क्वेयर छोड़ देना, हमारी मंत्री महल्ले महल्ले में घूमना, घर वालों को समझाना, हम वो पूरा कर रहे हैं, पूरी ताकत खराब कर रहे हैं। इसमें हमने तो यहाँ तक असेंबली में कह दिया था कि सरकार अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे 1 महीने का टाइम दे दो और मुझे फुल पावर दे दो कि मैं जो चाहूँ करूँ, मैं नशा खत्म नहीं कराया तो मुझे थूक देना मुझे नहीं दिया। तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रहा है, धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, पैसे कमाने के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है। गरीबों के लिए काम होना चाहिए, हमने अस्पताल खोला 7 महीने का, देख लो शिवाजी नगर में वहाँ बिल्कुल काम हो रहा है और हर वार्ड में 1,000 फुट का एक अस्पताल बन रहा है और उसके अंदर सुबह से शाम तक MBBS डॉक्टर बैठेंगे, एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, MRI सब फ्री होगा। हम लोग शुरू कर चुके गोंडी के अंदर, यहाँ तो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये लोग तो सत्ता पक्ष में रहे हुए बड़े बड़ी पार्टी के लोग हैं, ये करने नहीं चाहते, ये चाहते हैं ये मोहताज रहें, परेशान रहें ताकि इनके पीछे भागते रहें। अपील किया ना मैंने कि आओ मेरे साथ, हम सब मिल के काम करेंगे, ताकत बनाएंगे और मुमरा को मुमरा में खुशहाली लाएंगे, यहाँ जो जो चीज़ें नहीं उसको लाने के लिए पूरी का पूरा काम करें। जिस तरह से मैंने गोंडी में किया आप आके देख लो, कोई चीज़ बाकी नहीं है, अभी कोई चीज़ यहाँ भी लाएंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग का समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का एक ही मकसद है कि अब अपने को बदलाव चाहिए, हम लोगों को बदलाव चाहिए, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ मैंने NCP ज्वाइन किया, फिर उसके पास कुछ भी मैं काम करने जाऊँ तो कोई अपना ही है वहाँ पे, तो मैं किसको बोलूँ वहाँ पे। तो एक रीज़न था बड़ा वहाँ पे छोड़ने का, क्योंकि सारे सत्ता वाले सब एक ही तरफ है और मैं सत्ता में हूँ, अगर मैं कोई गलत चीज़ देख रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैंने राजनीति छोड़ दिया। 1.5 साल हो गए मैं कोई राजनीति में नहीं था, फिर अभी मौका मिला, आसिम भाई से मेरी बात हुई, यहाँ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, क्या चलो अभी काम करने का मौका दिया जाएगा, गलत देख के चुप अब नहीं रहेंगे। तो फिर मेरे बोले तो समाजवादी पार्टी मुझे जानती है और मैं समाजवादी पार्टी को पहले से जानता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का पहले युवा अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मेरा तालमेल पहले से लोगों से पहले से था और मेरी ऑलरेडी पहले से वहाँ पे टीम है, मैं साथ में अभी काम कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग सेना से ज्वाइन है, कोई लोग MIM से, मतलब अभी तीनों चारों पार्टी टूट के अभी समाजवादी पार्टी में जा रही है, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी मुमरा में हो सकती है। और जिस सारे लोग यही चाहते हैं कि अब बदलाव चाहिए यहाँ पे, जितने भी यहाँ के नेता नहीं, अभी हमको बेटा चाहिए, अभी बेटा चाहिए, अभी हमको कोई नेता नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब परिवर्तन इंशाल्लाह करें। अच्छा, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नशा बंद नहीं हो रहा है, कब से नशा चालू है कोई उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता है। मुमरा शहर मैं सबका नहीं कहूंगा, मगर इंशाल्लाह मेरी 100% कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह नशे के खिलाफ
हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। बादशाह भाई लोग तो ये मेंटेलिटी जब तक के लोगों के दिमाग से हटेगी नहीं तो नशा बंद कैसे होगा? मुमकिन है, मतलब इसका मुमकिन है, हम नशा बंद कर सकते हैं। लोगों की अगर मेंटेलिटी यहाँ से निकल जाती है कि हम नशा नहीं, कोई बोलना ही नहीं चाहता भाई वो नशा बेच रहा है, तो तुम उसके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि पीछे कोई रहबर नहीं है, और रहबर है तो वो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के। इंशाल्लाह जरूर उठाएंगे, हमारी टीम हमारे साथ में, मेरे भाई लोग मेरे साथ में, इंशाल्लाह जरूर सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, काम किया जाएगा। बादशाह भाई नशे को ले बदलाव अपन चाहते हैं, उमरा के लोगों को जगाना चाहते हैं कि भाई अभी भी जाग जाओ। जो भी नशा के खिलाफ अगर मुमरा में कोई आवाज उठाता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो नेता हो, उसको पद से हटा दिया जाता है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हम लोग मुमरा के लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे इंशाल्लाह। जनता